केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आज आम बजट पेश कर दिया है, हमारे साथ हमीरपुर में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएंगे आज बजट पेश हुआ है, क्या है आपकी इसकी राय? इसमें मेरी राय है कि जो मिडिल क्लास के लोगों की जो उम्मीद थी कि जो टैक्स की बेसिक एग्जम्पशन जो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, जैसे पिछले साल में फाइनेंशियल 2017-18 में बेसिक एग्जम्पशन जो थी वो 2.5 लाख थी और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख थी, तो इस बजट में लोगों को क्योंकि ये 2.5 लाख और 3 लाख पिछले 3-4 सालों से बेसिक एग्जम्पशन चली हुई थी, तो मिडिल क्लास ही लोग की है, लोग है जो एम्प्लॉय तबका था उनका मेन इस बजट में यही आज थी कि इसमें बेसिक एग्जम्पशन बढ़नी चाहिए, वो बढ़ी नहीं। और दूसरा भी मैंने बजट पूरा पढ़ा नहीं है, इसमें कुछ कह रहे गरीबों के लिए कुछ काफ़ी सूरतें दी हुई है या जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए बहुत उसमें कुछ प्रावधान किए हुए हैं, पर मेन जो मिडिल क्लास लोगों की जो आज से एक साल पहले भी उनको एक्सपेक्टेंस थी, कल तक भी थी कि ये सरकार जो इस बजट में बेसिक एग्जम्पशन जो है टैक्स की उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो नहीं। तो इस करके आई होप कि जो मिडिल क्लास लोग जो है वो इस बजट ना खुश है। आप बताएंगे टैक्स लैब में वैसा का वैसा रहा है, तो कैसा है बजट इस बार? इस बार का जो बजट है उसमें टैक्स लैब में कोई चेंज नहीं हुई है, सिर्फ इम्प्लॉयज वर्ग को 40,000 रुपये की छूट दी गई है, अतिरिक्त छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, बाकी आम आदमी के लिए कोई बजट में राहत नहीं है, बजट वैसा ही है। इस बार लोगों की बहुत अपेक्षा थी वित्त मंत्री जी से कि इस बजट में कुछ ना कुछ नई आएगा, स्लैब आएगा जिससे कि आम आदमी को राहत मिलेगी। बजट वैसे ठीक है, उतना अच्छा नहीं भी बोल सकते हैं, आम आदमी के लिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप बताएंगे बजट में क्या है इस बार, जो किसान वर्ग है क्या उसके लिए कुछ फायदेमंद का इसमें हुआ है कुछ? किसानों के लिए सरकार ने काफ़ी राहत देने की कोशिश की है, एक तो उन्होंने जो मिनिमम सेल प्राइस डिसाइड की है वो 1.5 गुना कर दी गई है, और किसानों के लिए उन्होंने जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं कि अपनी फसल बीमा योजना स्टार्ट की है, फिर किसान क्रेडिट की एक नई पॉलिसी जो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को मिलती थी वो उन्होंने बढ़ा के एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट को भी दी गई है, तो ओवरऑल देखा जाए तो एक गरीबी उन्मूलन बजट आप कह सकते हैं और बहुत बढ़िया बजट है मेरे हिसाब से। आपसे बात करते हैं हिमाचल की, बात करते हैं हिमाचल में रेलवे नेटवर्क के लिए इस बजट में क्या लगता है आपको कि कुछ होप है और मिल पाया है? तो वैसे डाइसी सीन रहेगा, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो इक्विटी का जो था ना, इक्विटी की जो सेल प्रोसीड्स कुछ आती हैं वो 1 लाख रुपीज़ से ऊपर जो होती हैं प्रोसीड्स होती हैं उसमें जो टैक्स लगा दिया, दैट कैन बी अ डैम्पनर, वो अच्छा स्टेप नहीं है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रेट्रोग्रेड एक्टिविटी। काफ़ी सारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनकी होती हैं रिसीट्स होती हैं वहाँ पे टैक्सेस लगना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सर आप बताएंगे GST के बाद ये पहला बजट है सरकार का, तो इसमें क्या राय है? GST के बारे में बजट के ऊपर बजट का कोई भी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है। GST काउंसिल का जो डिसीजन होता है वो अलग से आता है, वो अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं, और GST की जो काउंसिल बनी हुई है वो सारे के सारे जो उसमें डिसीजन GST के बारे में जो डिसीजन होते हैं वो GST काउंसिल पहले ही ऑथोराइज है करने को, वो पार्लियामेंट से ऑथोराइज होती है, और इस बजट में GST के बारे में कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि कस्टम ड्यूटी जो है वो रिड्यूस हुई है, तो कुछ प्रोडक्ट्स पे रिड्यूस हुई है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हुई है, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स जो है वो डाउन आने की संभावना है। सर आप बताएंगे इस बजट से क्या लगता है आपको, महंगाई पे कंट्रोल हो पाएगा या आम लोगों को सहूलियत मिल पाएगी? आम लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बेसिकली ये बजट जो है वो किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र को मैं रोजगार को बढ़ावा देने वाला है। हालांकि मीडियम वर्ग में जो खास करके सैलरीड क्लास है वो जो एग्जम्पशन लिमिट की बात कर रहे थे लोग कुछ बढ़ेगी वो उतनी आशा के अनुरूप नहीं है, पर ओवरऑल जो है वो गरीबों के लिए जो वो बहुत ही अच्छा है और रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध वर्ग लोग जिनका कहना है कि बजट मिला जुला असर यहाँ पे इस बजट में है, और ये बजट ना तो ज़्यादा बढ़िया है ना ही ज़्यादा बुरा है। हमीरपुर से कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज 18 हिमाचल।